सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बैंक में डकैती करने वाले दोनों आरोपी काबू। गत दिनों रानी का बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुई लाखों की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसी के समक्ष आज अमृतसर कमिश्नर पुलिस जसकरण सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस करने के लिए PPS DCP डिटेक्टिव मुखविंदर सिंह गुल्लर के दिशा निर्देशों पर थाना कैंटोनमेंट CIA स्टाफ की टीम गठित कर मामले की तफ्तीश की गई। लालजी सिंह निवासी गांव महनिया लोहारा देहाती और गगनदीप सिंह निवासी ऋषि विहार मजीठा रोड को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से 22 लाख रुपए, 2 पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने कहा कि दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर आगामी पूछताछ की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अमृतसर पुलिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करों के दो बड़े नेटवर्क को तोड़ते हुए पुलिस ने देहरादून से एक आरोपी को काबू कर नशीले टीके, कैप्सूल व गोलियां भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। थानू पता ही है कि 16 इस महीने की 4 दिन पहला रानी के बाग PNB की ब्रांच के विच दिन दिहाड़े दो क्रिमिनल्स आते ने वैपन्स के नाल 12:10 के उत्ते एक वड्डी वारदात को अंजाम करते ने, जिदे विच लगभग 22 लख रुपया बैंक के कैशियर तो पिस्तौल की नोक के उत्ते रैनसम लै लेंदे ने, उतों लुट कर लेंदे ने, जिदे विच असी बैंक मैनेजर की स्टेटमेंट के उत्ते उत्थे परचा दिता और उस परचे तो बाद उदी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। साडे SP City प्रभजोत सिंह, CAE दियां टीमां, SHO साहबान, असी उस वेले फिर इहदा पूरा जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है उहनू स्टार्ट की और 4 दिन दे विच ए जिहड़ी बैंक डकैती दिन दिहाड़े की गई सी जिहड़े दोवें क्रिमिनल दोवां नूं अरैसट कर लिया गया, जिहदा एक दा नाम है लालजीत सिंह जो कथू नंगल थानेदार वसनीक है और दूसरा जिहड़ा गगनदीप सिंह जिहड़ा मजीठा रोड अमृतसर दा वसनीक है, ये दोवां नूं अरैसट कर लिया। उस दिन जिहड़ी उहनां दे नाल वैपन सीगा वैपन भी रिकवर कर लिया और जिहड़े वाइकल ते आए उन्होंने दो वाइकल इस सारे अंजाम करन वास्ते दो वाइकल यूज़ किए, मौके ते उस स्कूटी ते आए और इन्वेस्टिगेशन नू भुलेखा पाउण लई उन्होंने कुछ दूर बाद जिहड़ी उह गड्डी छड्ड के एक क्रूज़ जिहड़ी है उह जिहड़ी उन्होंने अपनी सीगी उहदे विच गए, वह दोवें ही गड्डियां भी बरामद कर लिया गई। सो उस दिन जिहड़े उन्होंने कपड़े पाए हुए सीगे, जो कैप जो उन्होंने अपना मूछ पाउण लई जो भी रखिया होया सीगा वह कपड़े भी रिकवर कर लिया। कहन तो भाव है कि जिहड़ी टोटल इन्वेस्टिगेशन दे विच मुलजम दोवें वैपन दोवें और दोवें वहीकल्स और जो दिन उन्होंने हुलिया बनाया हुआ सीगा कपड़े पाए हुए सीगे वो सारे और जो लुट की रकम पाई पाई जिहड़ी है 100% जिहड़ी है वो रिकवर हो गई है। 22,01,000 समथिंग सीगा वो रिकवर हो गई है। सो इहदे नाल जिहड़ा एक वड्डा तुसीं ये कह सकते हो कि एक जिहड़ा अमृतसर दे विच इहो जी जिहड़ी लुट सीगी दिन दिहाड़े कीती वह बहुत ही प्रोफेसनल वे दे नाल बहुत ही जल्दी विदइन 4 डेज ताकि उन्होंने कोई मौका ना मिले भजन का। और इतने मैं कहना चाहवागा कि साढ़े जोड़े मुलाजम जिन्होंने हमने आप सर्टिफिकेट भी किया बहुत मेहनत के नाल दिन रात ला के सारिया ही टैक्नीकल टीम सारिया ही साढ़े जोड़े SHO साहबान प्लस उन्होंने थले जड़िया टीम से मैं उदों भी कहा कि असी 10 टीम फॉर्मूलेट कीतिया ने डिफरेंट डिफरेंट टास्किंग दतिया क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड एक वारदात सी जिदे विच असी डिफरेंट डिफरेंट थ्यूरीज़ के उत्ते वर्क कर रहे थे कि क्यों आए। और थानू उदन भी याद है
कि जदों 12:10 ते हुई ते असी जिहड़े साडे बीट इंचार्ज भी उस दिन 11:30 दे उत्ते उस बैंक जांदे ने और उन्होंने रजिस्टर दे विच भी अंदराज करते हैं और उदन उन्होंने नोटिस भी लिया सीगा कि इत्थे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और थोड़े जिहड़े अलार्म नहीं बज रहे, लेकिन 12:10 ते वारदात हुंदी है और ये असी विदिन 4 डेज़ मेरे ख्याल कोई भी जिहड़ी है इनवैसटीगेशन चाहे स्कॉटलैंड पुलिस वर्गी नालों भी वधिया जिहड़ी है वो पंजाब पुलिस ने अपनी फिर एक तो एक बार फिर जिहड़ी अपनी प्रोफेसनलिज्म दलेरी और हार्डवर्क का एक मुलाजा करते हुए ये सारे ही साडे जिहड़े मुलाजम उन्होंने अपनी ये जिहड़ी है कार्रवाई की है। इस सारे ऑपरेशन दे विच लगभग 40 क्योंकि इन्निया ज़्यादा टास्किंग सीगियां 10 टीमां सीगियां उन्हां दे विच साडे कोई 40 मुलाजम इंस्पैक्टर SHO तो लैके थले कॉन्सटेबल तक उन्होंने ये मशक्कत की है और लगभग 35 किलोमीटर का जिहड़ा वो समझ लो भी इतों वारदात वाली जगह तो लैके जिथे वो गए ने उहदा पिछा किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके दे नाल पिछा किया, बहुत सारा टैक्निकल डाटा लिया गया, बहुत सारिया जिहड़ियां वो उन्हां दे नाल असी देखदे होया ये किया। 40 जिहड़े साडे जिहड़े ऑफिशियल सीगे उन्हां नूं वी अज आपां ऑनर किया, सर्टिफिकेट दे के भी कैश रिवार्ड भी होएगा और इन्हां दीयां जो बंदियां अंदर कौन गया सर? गगनदीप सिंह जिहड़ा गगन सिंह है वह अंदर गया सीगा और इत्थे मैं ये भी दसना चाहवांगा कि ये जिहड़े वैपन भी उन्हां दे लाइसेंसी सीगे, एक वैपन उहदे फादर दा सीगा और एक उहदा अपना सीगा, मतलब दोवां दे ही लाइसेंसी वैपन सीगे गगन दा। और दूजे नंबर ते जिहड़ी उह स्कूटी वरती गई सीगी उह भी उहनां दे नां सीगी और शेवरलेट दी जिहड़ी क्रूज़ गड्डी है उह भी असी रिकवर बहुत शातर तरीके दे नाल उन्होंने भुलेखा पाउण लई कुछ किलोमीटर तो बाद 10-15 किलोमीटर तो बाद स्कूटी दे एक्सचेंज करके जिथे पहला ही गड्डी खड़ी की हुई सी उहदे विच अपने आप नूं चेंज कर लिया ता कि असी जे स्कूटियां भी चैक करते रहिए तो वह गड्डी आपकी जिहड़ी है वो चेंज कर ली। लेकिन बैंक वाले की शमूलियत सामने आई नहीं, देखो उन्होंने कोई अलार्म नहीं चलिया ते कोई बैंक वाले दी मुलाजम दी कोई शमूलियत सामने आई? देखो इनिशियल स्टेज दे तां हले क्योंकि अरेस्ट किया अज सवेरे हले कोई एहोजी शमूलियत क्योंकि बाकी इन्वेस्टिगेशन का मसला हैगा उन्हां दी सारी पुछगिछ होएगी, लेकिन इनिशियल तौर दे उत्ते उन्हां दा कहन तो यह सीगा कि इत्थे क्योंकि गार नहीं सीगा सो उन्होंने ये जिहड़ी है वारदात अंजाम दित्ती है। बट डेफिनेटली असी वो सारे पहलू जिहड़े वो सारियां पुछगिछ जे उहदे विच कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी तौर पर सीधे या सीधे तौर पर उहदे च इनवॉल्व होएगा वो बिल्कुल उन्हों कानून के मुताबिक कर। हाँ तुहाडे तिन्ने सवाल जिहड़े है उहदा पहले नंबर के उत्ते कि यह दोवां दा हाले तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सो एक बड़ी वड्डा चैलेंज हुंदा जदों तुहाडा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होवे क्योंकि नॉर्मली असी सारे ही जिहड़े क्रिमिनल कोई बाहर आए होंगे ने या पुराने होंगे उन्हां दा रिकॉर्ड छानदे आ, इहदे विच भी छानिया गया, लेकिन इन्हां दा हाले कोई साडे अगे कोई इहो जिहा क्रिमिनल रिकॉर्ड उन्हां दे थाणे तों पता कीता गया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 2 दे उत्ते जितों तक मंशा की गल है उही फिर आता छेती अमीर कर होने वाली भी क्योंकि उन्होंने को वैपन भी सीगा लाइसेंसी वैपन भी सीगा दोवां ने हम राज हो के कि छेती अमीर हो जाए तो बैंक क्योंकि गार्ड वगैरह नहीं सी तो अंदर गए थानू तुसी देखे ही हो सारे ने विजिट किया मेरे ख्याल 1.5 मिनट लग्या होना 2 मिनट लग्या होना कि वो गए तो लिफाफा दिता पैसे देते दे चले गए नहीं हाले हाले यहोजी बैंक अकाउंट वाली गल भी नहीं सामने आई, लेकिन यह है कि उन्हों का इतों लंघते रहे ने और बैंक नू रैकी भी डेफिनेटली करते रहे ने और यह सीगा कि PNB दे विच क्योंकि बाहर गार नहीं बैठा होया इस करके उन्होंने वो टाइम चुनिया और वो टाइम भी जिहड़ा चुनिया जो 12:30 उन्होंने को कैश ज़्यादा होंगे। हाँ जिहड़ा लालजीत है यदा तो जिम्मेदारा का काम है जमीन वगैरह करते हैं खेतीबाड़ी का काम है और जिहड़ा दूसरा हैगा गगनदीप ये वैसे ग्रेजुएट है BA पास है लेकिन विला टाइप है
और ये जिहड़ा बेसिकली हुण तां जिहड़ा तुसीं ला लो भी क्रिमिनल एक्टिविटी दे विच एंटर कर गए कि अपना एक ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਵਿਲਰ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋਏ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏਟੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਪਨ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਇੱਕ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਫ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ